वर्ल्ड कप की चार टीमें तो मैंने बता दी कौन सी क्वालिफाई करने वाली है, ऑस्ट्रेलिया होगी, इंग्लैंड होगी, पाकिस्तान और इंडिया क्वालिफाई करेगी, लेकिन ऐसे कौन से पांच बल्लेबाज हैं जो सबसे ज्यादा रन बनाएंगे इस वर्ल्ड कप के अंदर। मैंने जिसको कहते हैं कल लाइव सेशन में लोगों से पूछा, लोगों ने अपने कमेंट्स शेयर किए मुझसे, मैंने ट्विटर पर ट्वीट किया तो लोगों ने अपने जिसको कहते हैं रिप्लाई मुझे किए कि ये वाले प्लेयर सबसे ज्यादा रन करेंगे। तो भाई सबका मैंने सब कुछ देखा, लेकिन अब मैं आपको अपने पांच प्लेयर्स के नाम बताने वाला जो मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज्यादा रन करेंगे। हेलो, दिस इज वलीद रफ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक और वीडियो के साथ आपके खेतों में आ गए हैं। आज का टॉपिक बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि आज हम डिसाइड करने वाले हैं कि भाई ऐसे कौन से पांच प्लेयर हैं जो सबसे ज्यादा रन करने वाले हैं। तो बगैर टाइम जाए कि शुरू करते हैं। मैंने जैसे कहते हैं कुछ डाटा निकाला कि एक साल के अंदर, मतलब 2022 के अंदर, ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं, बैटर्स हैं, स्पेशली बैटर्स जिन्होंने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, सबसे ज्यादा रन स्कोर किए हैं 2022 के अंदर। तो वो लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, आप देख सकते हैं। मोस्ट रन इन 2020 इन T20, सूर्य कुमार यादव नंबर वन पे आते हैं। 23 इनिंग्स इन्होंने खेली है, 801 रन से स्कोर किया इन्होंने। ये मैं डाटा आपको दिखा रहा हूं 2022 का। दूसरे नंबर पे आते हैं मोहम्मद रिजवान, 16 इनिंग्स के अंदर 718 रन। कहते हैं, अब ये आप एक चीज को मैं आपको क्लियर कर दूं, आप इसमें देख रहे होंगे कुछ प्लेयर्स के नाम है, लेकिन ये लिस्ट बहुत लंबी थी, मैंने सिर्फ और सिर्फ वही प्लेयर चूज किए हैं जो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, ताकि वर्ल्ड कप का एनालिसिस कर रहे हैं ना, वर्ल्ड कप के पांच प्लेयर्स निकाले, तो हम वो वाले प्लेयर्स को क्यों लें जो वर्ल्ड कप खेल ही नहीं रहे। तो इस वजह से नंबर पांच पे जो इस साल के आते हैं वो निकोलस पुरन आते हैं, जिसको 19 मैचेस में उन्होंने 557 रन स्कोर किया। नंबर छह पे बाबर आजम है, 17 इनिंग्स के अंदर 541। बाबर आजम हमेशा टॉप में रहते हैं, इस वजह से कहते हैं नंबर चार पे पहुंचे हुए। रोहित शर्मा नंबर सात में है, 23 इनिंग्स के अंदर 540। इसी तरह सिकंदर रजा, निशंका श्रीलंका का ओपनर। विराट कोहली 14 इनिंग्स के अंदर 485 रन। विराट कोहली की इनिंग्स कम है, रन्स अच्छे खासे हैं, और विराट कोहली का अगर देखें तो फॉर्म भी बड़ा जबरदस्त चलता आ रहा है। और मोइन अली की बात करें, 17 इनिंग्स के अंदर 458 रन्स। तो ये तो मैंने आपको दिखाया ना डाटा, ये जो पूरे 2022 में अच्छी परफॉर्मेंस जिन्होंने दिखाई है, अच्छे रन्स जिन्होंने स्कोर किए हुए हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि भाई ऐसे कौन से मेरे पांच प्लेयर होने वाले जो मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड कप के अंदर तहलका मचाने वाले, किसी को छोड़ेंगे नहीं, बहुत मारेंगे। तो जो मुझे लगता है जो नंबर पांच पे प्लेयर होगा, जो पांचवे नंबर पे आएगा इस रैंकिंग के अंदर, जो सबसे ज्यादा रन स्कोर करेगा, उसके अंदर मुझे लगता है कि डेविड वार्नर ऐसे प्लेयर हैं जो रन तो करेंगे लेकिन पांचवे नंबर पे रहेंगे। इनके रन से इनसे भी ऊपर भी चार प्लेयर होंगे। डेविड वार्नर को देखा जाए तो इस साल के अंदर कम T20 मैचेस खेले, लेकिन जब भी खेले अच्छा खेले हैं। तो पांचवे नंबर पे मेरा डेविड वार्नर है। नंबर चार की बात करते हैं, नंबर चार पे ऐसा कौन सा प्लेयर है जो सबसे ज्यादा रन करेगा। मुझे लगता है नंबर चार की अगर बात करें तो भाई नंबर चार पे मुझे लग रहा है कि जोस बटलर। बटलर की अगर बात करें तो क्या खिलाड़ी है, ओपनिंग करता है, काफी अनफिट भी रहा पिछले दिनों, लेकिन दोबारा से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के अंदर कमबैक किया, अच्छे रन किए, और वर्ल्ड कप के अंदर जोस बटलर का नाम हमेशा रहता है, क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप में भी इन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। तो बटलर मुझे लगता है कि नंबर चार पे जिसको कहते हैं अपने वर्ल्ड कप के रन को एंड करेंगे। नंबर तीन की बात करें तो नंबर तीन पे मुझे लग रहा है कि नंबर तीन पे पाकिस्तान के जबरदस्त कप्तान बाबर आजम का नाम आएगा। बाबर आजम जैसे कहते हैं अच्छी फॉर्म करते हैं, लेकिन आजकल वो उतनी फॉर्म में अच्छी नहीं है। अगर ये अपनी बेस्ट फॉर्म के अंदर होते हैं, मैं इनको नंबर वन पे रखता, लेकिन क्योंकि वो उस फॉर्म के अंदर नहीं है, इस वजह से मैं उनको नंबर जिसको कहते हैं तीन पे रख रहा हूँ। क्योंकि बाबर आजम एक मैच में चले रहे, एक मैच में नहीं चले, लेकिन जब चलते हैं तो बड़े रन से स्कोर करते हैं। तो बाबर आजम नंबर तीन के ऊपर। नंबर दो की बात करें, अब देखें मुकाबला बढ़ा सकता है। नंबर दो के मेरे पास दो नाम थे, लेकिन जिसको कह सकते हैं मैंने बड़ा सोच समझ के कहते हैं ना इस नाम को चूज किया, क्योंकि इसकी इस प्लेयर की टीम के अंदर कंपटीशन बहुत है, बहुत ज्यादा खिलाड़ी हैं जो ज्यादा रन कर सकते हैं इस प्लेयर की टीम से, लेकिन हमेशा जो एक रन करता है वो भी ज्यादा होता है, क्योंकि मतलब कि अब हर खिलाड़ी तो एक टीम के अंदर ज्यादा रन नहीं ना कर सकता, एक ही प्लेयर होता है जो हर टीम से ज्यादा रन करता होता है। तो मुझे लगता है कि नंबर दो के ऊपर, और इस प्लेयर की अगर मैं बात बताऊं तो इस प्लेयर की खासियत ये है कि ये एशिया कप से ऐसी फॉर्म के अंदर आया है कि ये रुक नहीं रहा, बड़े अच्छे रन से स्कोर कर रहा है। अगर हम 2022 की बात करें तो 14 मैचेस के अंदर 485 इसके रन हैं और 44 की एवरेज से रन कर रहा है। तो मेरे ख्याल से विराट कोहली नंबर दो पे आएंगे। विराट कोहली बड़े ज्यादा रन मारने वाले हैं इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर, और विराट कोहली जिसको कहते हैं एक मैच विनर साबित होंगे इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर। मुझे लगता है कि विराट कोहली का नाम आएगा नंबर दो के ऊपर। नंबर वन की बात करें, नंबर वन पे बहुत कंपटीशन है। एक तरफ सूर्य कुमार यादव मुझे दिमाग में आता है, दूसरी तरफ जैसे कहते हैं मोहम्मद रिजवान का नाम दिमाग में आता है, तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक का भी नाम आता है। लेकिन सवाल ये है कि मतलब कि सूर्य कुमार यादव अगर ज्यादा रन करता है तो फिर विराट कोहली कैसे ज्यादा रन करेगा। सूर्य कुमार यादव नंबर चार पे आके खेलता है, उससे पहले विराट कोहली आके खेलता है। पोजीशन भी बड़ी मैटर करती है ना, क्योंकि अगर ओपनर है तो ओपनर का ज्यादा जिसको कहते हैं चांस होता है ज्यादा अच्छे रन करने का, क्योंकि उसके पास ज्यादा बॉल्स खेलने की मिलती है।
जो नंबर चार का नंबर पांच का बल्लेबाज होता है उसको कम बॉल्स खेलने को मिलती है और हर मैच में वो ज्यादा रन नहीं कर सकता। तो इसी को कंपैरिजन में रखते हुए मैंने ये जो पांच प्लेयर्स हैं वो सिलेक्ट किए हुए हैं। क्विंटन डिकोक का एक नाम था लेकिन क्विंटन डिकोक की इतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही पिछले के अंदर। जिस प्लेयर की परफॉर्मेंस रह रही है, जो प्लेयर लगातार परफॉर्मेंस देता आ रहा है 2021 से शुरू हुआ है और क्या जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दे रहा है, मुझे लगता है कि मोहम्मद रिजवान ही एक ऐसे प्लेयर है जो इस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के अंदर बहुत ज्यादा डोमिनेट करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि मोहम्मद रिजवान नंबर वन पे आएंगे सबसे ज्यादा रन स्कोर करने में। मोहम्मद रिजवान का ये जो एक खासियत ये है कि वो पहले ओवर से लेकर 18-19 ओवर तक खेलते रहते हैं, वो आउट नहीं होते होते, बेशक ज्यादा बोले खेल जाए लेकिन वो रन कट जाते होते हैं और वो जो रन करते हैं फिर उसकी वजह से इसको कहते हैं उनके रन बड़े ज्यादा हो जाते होते हैं और लगातार उनके रन की वजह से आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान कितने मैचेस में कितने जिसको कह सकते हैं जीते भी है, कितने मैचेस अगर देखा जाए बाबर आजम उनके रन की वजह से बाबर आजम के उतने रन नहीं आ रहे। तो मोहम्मद रिजवान का एक बहुत बड़ा नाम है और मोहम्मद रिजवान मुझे लगता है कि नंबर वन पे रहेंगे। तो पांच प्लेयर्स की अगर बात करें, नंबर वन पे रिजवान, नंबर टू पे विराट कोहली, नंबर थ्री पे जिसको कह सकते हैं मैंने जो डिसाइड किया था बाबर आजम को, नंबर चार पे बटलर, नंबर पांच पे डेविड वार्नर, ये मेरे पांच प्लेयर हैं। आपको कौन से पांच प्लेयर्स लगते हैं आपने कमेंट्स के अंदर जरूर बताना है और आप मेरे जिसको कहते हैं टॉप फाइव से एग्री करते हैं कि नहीं जरूर कमेंट्स के अंदर बताएं। इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।